रोलिंग। नमस्कार, 11 अगस्त को जो कार्यक्रम होने जा रहा है बहुत ही यादगार कार्यक्रम हो रहा है और वो कार्यक्रम दो सत्रों में होगा। तो जो पहला सत्र है आज़ादी के आंदोलन में भारतीय भाषाओं की भूमिका, तो आज़ाद विभाजन के पहले जिन जिन लोगों ने देश के आज़ादी में अपनी भूमिकाएं अदा की थी, इसे हर बार हम लोग 15 अगस्त या 26 जनवरी को देशभक्ति के गीत और संगीत पर कार्यक्रम करते हैं और हम क्या पूरा देश में होता है, लेकिन इस बार हमने सोचा कि ये भाषाओं पर किया जाए कि भाषाओं का जो योगदान था, अलग अलग भाषा भाषी के लोगों ने जो भूमिकाएं निभाई थी, तो इस बारे में हम आज फिल्म इंडस्ट्री के सुप्रसिद्ध और लोकप्रिय लेखक कमलेश पांडे जी के घर पर हैं, जिन्होंने विज्ञापन, टीवी और फिल्मों में एक से बढ़कर एक यादगार अमीर फिल्में दी हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं अलग अलग, सौदागर, दो महानायकों, दिल, रंग दे बसंती, देश प्रेम से ओतप्रोत, अलग अलग विषयों पर लिखी यादगार फिल्में लिखी हैं। तो हम कमलेश पांडे जी से जानना चाहते हैं सर कि आज़ादी के आंदोलन में जो भाषाओं की भूमिका थी, चाहे क्षेत्रीय भाषाएं हैं या संस्कृत भी रहें या प्राकृत जो भी है, हिंदी की तो है ही, गांधी जी के आने के बाद हिंदी में पूरा एक वो चला था अभियान, तो अब आपसे जानना चाहते हैं। ऐसा है कि गांधी हो या गौतम बुद्ध हो, कोई भी हो या खुद श्री कृष्ण हो, भाषा के बिना किसी का काम नहीं चलता। उन्हें जो भी कहना है, लोगों तक पहुंचाना है, जो भी संदेश देना, और चाहे बहुत से लोग हुए हैं, शंकराचार्य हुए हैं जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण किया, एक तरह से जोड़ा पूरे भारत को भाषा के बल पे, तो जो भी ऐसा कुछ बड़ा आंदोलन शुरू होता है जिसमें पूरे देश को इकट्ठा करना है, किसी एक समूह को या किसी एक जाति को नहीं बल्कि पूरे देश को, उसमें भाषा की भूमिका बड़ी अहम हो जाती है। और मुझे लगता है कि अगर भाषा नहीं होती तो फिर ये लोग क्या करते हैं? अब ठीक है, अंग्रेज थे, अंग्रेज अंग्रेजी समझते थे और उनसे जो भी बातचीत होती थी अंग्रेजी में ही होती थी, मगर जो हिंदुस्तान था, जो आम जनता थी, आम जनता तक जो पहुंचने का माध्यम था वो भाषा ही थी। और ठीक है, हमारे यहाँ बहुत सारी भाषाएं हैं, करीब 250 भाषाएं हैं, 17-18 तो मुख्य भाषाएं हैं, और उसमें हिंदी का जो विशेष योगदान था, क्योंकि अगर हम दक्षिण को छोड़ दें, वहाँ पे वहाँ की भाषाओं में ये संदेश पहुँचाया, मगर अधिकांश भारत जो है वो हिंदी के बल पर जोड़ा गया। और इसीलिए बहुत से लोग, खुद गांधी की हिंदी कोई बहुत अच्छी नहीं थी, फिर भी गांधी ने हिंदी को चुना, पूरे देश को जगाने के लिए गांधी ने हिंदी को चुना। नेहरू खुद अंग्रेजी के पढ़े लिखे थे, अंग्रेजी अच्छी बोलते थे, मगर जब भाषण देने की बात होती थी, जनता के बीच जाने की, तो उनको भी हिंदी का सहारा लेना पड़ता था। तो कोई कितना भी लिखा पढ़ा हो, विद्वान हो, स्कॉलर हो, जो भी हो, यहाँ भाषा का सवाल होता है कि आम जनता तक पहुँचना है, आम आवाम तक पहुँचना है, और उसको ऐसी शब्दावली में पहुँचाना है, वो बहुत ज़रूरी होता है कि आप किस शब्दावली में हो। बड़े आसान से शब्द होते, इनकलाब जिंदाबाद, या करो या मरो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, बड़े सिंपल शब्द थे, पर इन्हीं शब्दों ने हिंदुस्तान की जनता को इकट्ठा किया एक झंडे के नीचे, इसलिए लड़ाई का अहम हिस्सा बने। और सिर्फ हिंदी नहीं, जितनी भारतीय भाषाएं थी, बंगला थी, मराठी थी, गुजराती थी, दक्षिण की भाषाएं थी, हर भाषा का योगदान था कि उसके बिना ये संभव नहीं था, क्योंकि आपको जो भी संदेश पहुंचाना है, कम्युनिकेट करना है, वो भाषा के बिना संभव नहीं है, चाहे वो गीता हो, चाहे वो आज़ादी की लड़ाई हो, भाषा के बिना आप निहत्थे हो जाते हैं। तो भाषा बहुत बड़ा हथियार है, एक तरह से मैं मानता हूँ कि भाषा का उपयोग भी हथियार की तरह किया गया। हम आज के देखे संदर्भ में नाम लेना शायद जरूरी नहीं है, फिर भी देखिए कि जो फर्क है, एक सॉरी, कोई आया था जब